क्या कुछ जल्दी पेश करेगी? देखिए सरकार ऐसे कई मामलों का सहमति बन चुकी थी और उस पर बात आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन कुछ विषय को लेकर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे लोग भी उसमें हो सकते हैं जो इसका समाधान के बजाय समस्या के रूप में देखना चाहते हो। पर मैं किसानों से यही निवेदन करूंगा कि वैसे लोगों के जो पूरे वातावरण को प्रतिकूल बनाना चाहते हैं उससे सावधान रहें। देखिए मैं इस समय यह कहूंगा कि बहुत सारे ऐसे लोग जो सरकार को जानकारी मिल रही है, बहुत सारे ऐसे लोग जो इसमें कोशिश करेंगे कि इस तरह का स्थिति बने जिससे एक वातावरण प्रदूषित हो, और मैं तो ऐसे किसान भाइयों से भी कहूंगा कि इन सारे चीजों से वो बचे, क्योंकि भारत सरकार प्रतिबद्ध है किसानों के हितों को लेकर। सर आपने बोला स्टेट के साथ कोई कमेटी बनाने बात करना पड़ेगा, कमेटी बनानी पड़ेगी। नहीं देखिए ऐसा है कि कुछ बातों पर सहमति बनी और अधिकांश बातों पर सहमति बनी, कुछ बातों पर हम अभी भी ओपन है बातचीत करने के लिए, और उसके कई विकल्प वो भी दे सकते हैं, मैं भी दे सकता हूं, उसमें हम एक विकल्प पर आकर के उसका समाधान ढूंढ सकते हैं। विकल्प इन द सेंस कि सॉल्यूशन के लिए रास्ते कैसे होंगे। सर एक अंतिम सवाल, स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट की सिफारिश की, उसकी मांग की गई है पेंशन वाली, जो पुराने किसान जो किसानों पर जो FIR है उसको वापस लेने की मांग, कई सारी मांगे, इन सब पर आप लोग विचार करके क्या कुछ जल्दी पेश करें? क्योंकि देखिए सरकार ऐसे कई मामलों का सहमति बन चुकी थी और उस पर बात आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन कुछ विषय को लेकर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे लोग भी उसमें हो सकते हैं जो इसका समाधान के बजाय समस्या के रूप में देखना चाहते हो। पर मैं किसानों से यही निवेदन करूंगा कि वैसे लोगों के जो पूरे वातावरण को प्रतिकूल बनाना चाहते हैं उससे सावधान रहें।